नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर कोबाल्ट स्टील। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको पार्ट 3 बताया था अलॉय स्टील के बारे में, जो कि आपका 8 नंबर तक मैंने करा दिया था, क्योंकि सिलिकॉन इस्पात था। सिलिकॉन इस्पात के बारे में बता दिया, सिलिकॉन स्टील के बारे में, जो भी एक अलॉयिंग एलिमेंट है और जो एलिमेंट होता है उसको अलॉय क्यों बोलते हैं, ये भी बता दिया था मैंने, क्योंकि स्टील में मिलाया था इसलिए वो अलॉय बोलते हैं। अलॉय मतलब मिश्रित हो जाता है, मिश्रित स्टील मतलब मिश्र इस्पात बोलते हैं उसको। तो नंबर 9 है कोबाल्ट स्टील, मतलब कोबाल्ट इस्पात। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हाई कार्बन स्टील में ये 30% ज्यादा कोबाल्ट मिला दिया जाता है तो क्या होता है, वो अस्थाई चुंबक बन जाता है। ये इसका स्पेशल क्वालिटी है इसका, कोबाल्ट का। दूसरा है नेक्स्ट, इसका प्रयोग हाई स्पीड स्टील में किया जाता है। दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पे HSS, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि HSS और HCS सब ने क्यों लिखा है, तो HCS मतलब होता है हाई कार्बन स्टील और HSS मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। इसका परफॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ हाई स्पीड स्टील का। आगे चलते हैं, इसके कटिंग टूल्स के एज जो होते हैं वो ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो खोता नहीं है, अधिक तापमान तक खोता नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखता है। 10 नंबर है नेक्स्ट, 10 नंबर मोलिब्डेनम। दोस्तों, दिख रहा होगा ये मोलिब्डेनम स्टील। इसमें क्या होता है, इसमें मोलिब्डेनम की मात्रा 10% तो होती है, जो मोलिब्डेनम स्टील होती है उसमें 10% मोलिब्डेनम होता है, बाकी क्या होता है, स्टील होती है। इसके बने पार्ट पर हार्डनिंग और टेम्परिंग आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं होती है, आपको बता चुका हूँ कि अलाइंग एलिमेंट जो होते हैं उन पर टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो खुद ब खुद टेम्पर होते रहते हैं। प्रयोग बाल बेरिंग में, गरारी में, हवाई जहाज के पार्ट में और प्लस मोटर गाड़ी के पार्ट बनाने में मोलिब्डेनम स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अब ये पूरा अलाइन एलिमेंट खत्म हो चुका है, अब आगे अध्ययन करेंगे कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में अंतर। हेडिंग है, आप डाल दीजिएगा कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में अंतर। कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में अंतर क्या होता है, आइए जानते हैं। कार्बन स्टील में क्या होता है, इस पर जंग लग सकता है, लेकिन अलॉय स्टील में इस पर जंग नहीं लगता है। फिर है कार्बन स्टील में, इस पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, अलॉय स्टील में है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। चुंबक का प्रभाव कितना नहीं पड़ता है अलॉय स्टील पे, और वैसे स्टील पे पड़ता है। तीसरा है यह मैलेबल होता है, मैलेबल मतलब दोस्तों होता यह होता है कि मैलेबल जो होता है वो मुलायम होता है, डक्टाइल हो जाता है, ये हार्ड और टफ होता है। हार्ड टफ कौन होता है अलॉय स्टील, और मैलेबल कौन होता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में अगला है 4 नंबर, इस पर तेजाब का असर पड़ता है, लेकिन अलॉय स्टील में क्या है, इस पर तेजाब का असर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कार्बन स्टील में 5 नंबर, इसमें क्या लिखा है, इसको आसानी से मशीनिंग और फाइलिंग किया जा सकता है। दोस्तों, आप कार्बन स्टील को आसानी से मशीनिंग और फाइलिंग कर सकते हो। मशीनिंग मतलब होता है पार्ट को 2 भागों में काट करके अलग कर देना, उसको बोलते हैं मशीनिंग। इसमें मशीनिंग और फाइलिंग आप कर सकते हैं, बट आप उसमें मशीनिंग और फाइलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्ड धातु है, इस वजह से आप मशीनिंग और फाइलिंग नहीं कर सकते। इसमें जो अलॉय स्टील होता है उसमें, उसका अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, कार्बन स्टील में इसे एक समान हार्ड नहीं किया जा सकता। कार्बन स्टील में है 6ठा जो पॉइंट है, इसे एक समान हार्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन अलॉय स्टील में क्या होता है दोस्तों, उसे एक समान हार्ड किया जा सकता है। फिर 7 नंबर आता है, कार्बन स्टील में अधिक गर्म होने पर काटने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन स्टील जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो अलॉय स्टील होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये मुलायम होता है इसलिए ज्यादा तापमान पर टिकाऊ नहीं होता है, यह काटने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है अलॉय स्टील में दोस्तों, इसमें अधिक तापमान पर भी काटने की क्षमता बनी रहती है। फिर आप आते हैं कार्बन स्टील में 8वां नंबर है, टेम्पर करने की आवश्यकता होती है। कार्बन स्टील को टेम्पर करने की आवश्यकता होती है, बट उसमें अलॉय स्टील में नहीं होती। अलॉय स्टील में क्यों नहीं होती, अलॉय स्टील खुद ब खुद टेम्पर होता रहता है, मैंने बता रखा था उसको हार्ड होता है, यही इसमें एक अलग क्वालिटी है। इसमें और अलॉय स्टील और कार्बन स्टील में यही मुख्य अंतर होता है।
इतनी बातें नोट कर लो अपने नोटबुक में, नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अलव धातु। अलव धातु मतलब क्या होता है? नॉन फेरस मेटल, ऐसा धातु जिसमें लोहे के कण ना पाए जाएं, उसको अलव धातु बोलते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, इसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, ये सॉफ्ट और मैलेबल होता है। इसमें लोहे कण नहीं पाए जाते हैं, ये सॉफ्ट और मैलेबल होता है, ठीक है। इसमें पहला है एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर क्या है? ये नॉन फेरस मेटल है और इसका प्रमुख अयस्क जो होता है वो कॉपर पाइराइड होता है। जो कॉपर का रंग होता है वो लाल होता है और इसका जो गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बिजली के बहुत ही अच्छा प्रचालक होता है, इसे गुड कंडक्टर भी बोलते हैं। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात और बता दूं, अधातुओं पे वातावरण का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसका अपेक्षित गर्म 8.93, ये नोट करने वाली बात है। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, अंडरलाइन कर दिया मैंने 8.93, इसको नोट करके चलो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्टीम पाइप में करते हैं, ट्यूब में करते हैं, बिजली उपकरण बनाने में करते हैं और रिबेट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर दो, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम भी ये क्या है? अलौ धातु है। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अयस्क को इलेक्ट्रिक फर्नेस से साफ करके शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्नेस में इसको पहले साफ करते हैं, उसके बाद ये सही तरीके से प्राप्त होता है। इसका रंग जो होता है वो ब्लूइश व्हाइट होता है। इसका गलनांक 648 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिजली की ताप का अच्छा सुचालक होता है। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अपेक्षाकृत जो होता है वो 2.7 होता है, जो कि दिखा हुआ है। ये बहुत हल्का होता है, ये बहुत हल्का होता है वजन में। प्रयोग बिजली की तार, हवाई जहाज के पार्ट, घरेलू बर्तन, पेंट बनाने आदि में किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग आपने देखा होगा लाइट वगैरह में मैक्सिमम किया जाता है, बिजली की तार में। थर्ड है लेड। लेड क्या होता है? शीशा होता है। लेड जो शीशा है, ये कॉम नाम से शीशा लगता है, जो कि मिरर तुम समझते होगे, वो मिरर नहीं है, ये शीशा एक धातु है। ये बहुत भारी धातु है। इसका जो प्रमुख अयस्क है वो गैलेना होता है। गैलेना नामक अयस्क से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो रंग होता है वो ब्लूइश ग्रे व्हाइट होता है। इसका अधिक भारी धातु है, ये शीशा अधिक भारी धातु है। यह सॉफ्ट मैलेबल और डक्टाइल होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व हर धातु के बारे में पूछता रहता है, मैक्सिमम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, उसको याद करके नोट करके लिख लो। इसका अपेक्षित घनत्व 11.3 होता है, 11.3। प्रयोग कहाँ करते हैं? बैटरी की सेल में करते हैं और बंदूक की गोली में करते हैं, पाइप ट्यूब में करते हैं और चादर, पेंट, शोल्डर आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ नंबर आ रहा है आपका टिन। टिन क्या है? यह भी अलौ धातु है। टिन देखो, इसका प्रमुख अयस्क जो होता है टिन स्टोन होता है। टिन स्टोन अयस्क होता है, उसी से टिन प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार एल्युमिनियम गैलेनस एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है और लेड गैलेनस से प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार टिन जो है वो किससे करते हैं? टिन स्टोन से प्राप्त करते हैं। इसका जो रंग होता है वो सिल्वरी व्हाइट होता है, लिखा हुआ है लाइन देखो सिल्वरी व्हाइट, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और इसका जो गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है इसका अपेक्षित घनत्व, वो 7.3 होता है। नेक्स्ट है कैसेटेराइट, इसका प्रमुख अयस्क है, ये नोट करके लिख लो। कैसेटेराइट, कैसेटेराइट इसका प्रमुख अयस्क है। प्रयोग पीतल के बर्तन बनाने, उसको जो कलई करते नहीं है, पीतल के बर्तन बनाकर उसमें कलई करते हैं, उसमें इसका प्रमुख यूज है। आयरन शीट पर टिनिंग करने के लिए, टिनिंग क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे चल के, जब पार्ट ऐसे चलता रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है जस्ता। जस्ता को जिंक बोलते हैं इंग्लिश में। इसका प्रमुख अयस्क जो होता है वो जिंक सल्फाइड होता है या कैलेमाइन कार्बोनेट होता है। इसका जो रंग होता है वो ब्लूइश व्हाइट होता है। इसका गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है।
यह ब्रिटल धातु है, तुरंत गर्म करने पर यह मलेबल हो जाता है। इसका अपेक्ष गर्म जो होता है वो 7.13 इसे बोलते हैं 7.13 होता है। और प्रयोग क्या करते हैं, लोहे की पाइपों पर इसकी एक जिंक की परत चढ़ाने को लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और चित्र छापने के जो ब्लॉक बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। बात करते हैं अधातुओं के बारे में, अधातुओं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत कुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, ये क्या है, ये विद्युत के कुचालक हैं। दोस्तों मैं आपके लिए जो भी टॉपिक लेके आता हूँ बिल्कुल सही सिक्वेंस में सटीक कंसेप्ट कंटेंट तैयार करता हूँ, जो कि क्वेश्चन इससे बाहर कोशिश करता हूँ कि ना जाए, फिर भी आपको लगता हुआ कुछ छूट जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ज्यादा समय ना आपका वेस्ट हो, ज्यादा समय ना ही लूँ, क्योंकि एक वीडियो में ज्यादा समय ले जाने से भी आपका नुकसान होता है। दोस्तों इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूंगा। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।